आज का वचन विश्वास, मूसा की लाठी। भजन संहिता चैप्टर 23 का वर्स 4। यदि भी मैं घोर अंधकार में घाटी से गुजरता हूँ तो भी अनिष्ट से नहीं डरता, क्योंकि हे प्रभु तू मेरे साथ है, तेरी सोटी तेरी लाठी मुझे सहारा देती है। सच में पिता परमेश्वर, जब हम घोर और अंधकार में घाटी से गुजरते हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पिता परमेश्वर लाठी बनकर हमारे साथ रहते हैं। जिस तरह पिता परमेश्वर ने मिस्र में इजरायली लोग गुलाम बन चुके थे, प्रभु ईश्वर ने अपने प्रिय जनता को गुलामी से बचाना चाहा। निर्गमन ग्रंथ कहता है कि ईश्वर ने मूसा को अगवा के रूप में चुनता है, पर मूसा पहले घबरा जाता है और कहता है, पर देखो वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि प्रभु ने तुझे कब दर्शन दिया। प्रभु ने मूसा से पूछा, तेरे हाथ में ये क्या है? मूसा ने उत्तर दिया, लाठी। प्रभु ने कहा, इसे धरती पर फेंक दे। मूसा ने उसे धरती पर फेंका तो वह सर्प बन गई। मूसा डर के मारे दूर भाग जाते हैं। प्रभु ने मूसा से कहा, अपना हाथ बढ़ा और अपनी पूंछ से उसकी पूंछ से उसे पकड़, और वह उसके हाथ में पुनः लाठी बन गई। प्रभु ने कहा, इस प्रकार उन्हें विश्वास होगा कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिया है। परमेश्वर ने मूसा से कहता है कि वह उस लाठी को अपने साथ ले जा। जो ईश्वर पर विश्वास करता है, ईश्वर की लाठी पर विश्वास करता है, वह अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता है। फिरौन क्रोध से बचने के लिए इजरायली तेज गति से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आगे रास्ता बंद हो जाता है। उनके सामने विशाल लाल समंदर आ जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, कांप जाते हैं, क्योंकि आगे लाल समंदर और पीछे फिरौन की सेना थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह सागर में कूदे या फिर गुलाम बने। उस वक्त परमेश्वर कहते हैं, मूसा अपनी लाठी को दिखाकर आदेश दो कि सागर दो भाग हो जाए। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और अपनी लाठी को आदेश दिया और सागर के दो भाग हो गए। सागर दो भाग में विभाजित हुआ तथा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ईश्वर की स्तुति करते हुए वे सागर पार करते हैं। मूसा ने फिर लाठी को आदेश दिया और सागर पहले की तरह हो जाता है तथा उसका पीछा कर रहे फिरौन उनकी सेना सागर में डूब जाती है। हे प्रिय भाई बहनों, जीवन में जब हमारे सामने विकट और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, लाल सागर जैसी समस्याएं आती हैं तथा हमारी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, तो हम टूट जाते हैं। ऐसे क्षण हमारे विश्वास और ईश्वर पर भरोसे की परख है। विश्वास वह लाठी है जो घोर समस्याओं के बीच भी हमारे लिए एक रास्ता खोलती है। लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु अपने शिष्यों से पूछते हैं जो डरे हुए थे, कहाँ है तुम्हारा विश्वास, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? हे पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, जो आप पर विश्वास करता है उसके लिए आप पिता परमेश्वर सारे रास्ते खोल देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां, मुश्किलें, बीमारियां, दुख, संकट, परेशानियां उन विशाल लाल सागर तथा कठोर चट्टान की तरह आ जाते हैं, जिससे हमारा पूरा विश्वास, हिम्मत, शक्ति तथा ताकत टूट जाती है। हम इनका सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विश्वास की लाठी हमारे साथ है, जिसके सहारे हम चट्टान से जल निकाल सकते हैं, जिसके सहारे हम लाल समंदर को पार कर सकते हैं। प्रभु ने खुद कहा है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। संत पॉलस कहते हैं कि अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कोई भी हमारा विरोधी कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर हमारा विश्वास दृढ़ है तो हमें कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती, और हम भी मूसा की तरह आश्चर्यपूर्ण कार्य कर सकते हैं। यह प्रभु यीशु का हमसे वादा है, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा। प्रिय भाई बहनों, अगर हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, उसकी लाठी पर विश्वास रखते हैं, तो सदैव प्रभु हमारे साथ रहेंगे और हर दुख को सुख में बदल देंगे। तब हम कह सकते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु की लाठी हमारे साथ है, और उसकी लाठी और उसकी सोटी हमें सहारा देती है। आमीन।